हम खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, सुन लो। मिर्ज़ाई कुफर से बड़े बेजार हैं, सुन लो। हम खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, सुन लो। मिर्ज़ाई कुफर से बड़े बेजार हैं, सुन लो। मौत आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के प्रमोद आए। पार्लियामेंट फ्लोर से कादियानी को काफर करार दिया गया था। हैदराबाद में आशकाने मुस्तफा ने 7 सितंबर की याद में तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत कफन पोश मार्च का इनेकाद किया। जमीयत उलमा पाकिस्तान के जेर एहतमाम तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत कफन पोश मार्च मार्केट चौक से शुरू हुआ, जिसमे JUP के मरकजी रहनुमाओं और ताजिर तंजीमों के अहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। मार्च में शरीक मासूम बच्चे और बुजुर्ग अलामती कफन पहने खत्मे नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद कर रहे थे। इस मौके पर शुरका का कहना था कि अगर खत्मे नबूवत और नामूसे रिसालत के कानून से किसी ने छेड़छाड़ की तो वो याद रखें कि अहले ईमान खून के आखिरी कतरे तक इसका तहफ्फुज करने को तैयार हैं। कफन पोश का मकसद ये था कि हम पूरी दुनिया के उन कुव्वतों को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम अपने दीन पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपने नबी पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। कादियानियों के हवाले से जो अभी कुछ मराहिल और कुछ शिकों के अंदर अभी कुछ फैसले जो किए गए थे और उस पर अवाम इस्लाम का अहले इस्लाम के तहफ़ुज़ात थे, तो आपके रिटायर होने से पहले अगर आप उस तहफ़ुज़ात को ख़त्म कर देंगे अल्लाह की रहमत आपका मुकद्दर बनेगी। मार्च के इख्तिताम पर शुरका का कहना था कि 7 सितंबर 1974 को कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की करारदाद पर पार्लियामेंट ने कादियानियों को अकलियत करार देकर लाखों मुसलमानों का तहफ्फुज़ किया था। रेहान गनी, पासवान न्यूज़, हैदराबाद।